थर्ड एबीसी पर फंक्शन की वैल्यू गिवन, तो प्रूफ करना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसके प्राप्त करनी, यानी एबीसी पर या एक्स की वैल्यू क्या है एबीसी, इस पर फंक्शन गिवन है तो कितना हो जाएगा एफ ओ ए एफ ओ बी एफ ओ सी। अब अपने को प्रूफ करना है प्रूफ एक्स जो है 1/2 ये कैसी वैल्यू है मैक्सिमम या मिनिमम। 1/2 b² - c² f of a प्लस c² - a² f of b प्लस a² - b² f of c d - c फंक्शन ऑफ ए c - a फंक्शन ऑफ बी प्लस a - b फंक्शन ऑफ क्लियर। तो प्रूफ करना है x=1/2 b² - c² f(a) c² - a² f(b) ये कंडीशन वैल्यू एक्स क्या है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम है। तो यहाँ अपन देखें इस कंडीशन में फैक्टर्स की फॉर्म इसकी कोई डिजिट भी नहीं दे रखी, इसका मतलब ये कैसा इंटरवल मान के चले कि n इक्वल, तो n इक्वल के लिए फैक्टर्स की फॉर्म में कौन सा फॉर्म आता है डबल, क्या यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा, तो दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा तो कौन सा, तो लाग्रांज फॉर्मूला फॉर अनइक्वल तो लॉग्रांज फॉर्मूला अनइक्वल तो लॉन्गेस्ट फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या होगी कंडीशन तीन वैल्यू दे रखी है ये x - b x - c फंक्शन ऑफ ए, एक्स की जगह क्या रखना है a a - b a - c प्लस दूसरी कंडीशन ले रहे हैं x - c अपॉन क्या हो जाएगा बी पुट कर दें b - a b - c f of b क्लियर। प्लस c के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा x - a x - b अपॉन c - b f of c क्लियर, f of x की ये कंडीशन होगी। अब अपन क्या ले रहे हैं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे और डिफरेंशियल क्लियर, इसको समेशन में लेना चाहो समेशन में ले लो एफ ऑफ एक्स, ये समेशन ले लो x-b इंटू x-c a-b a-c और एफ ऑफ एक्स समेशन, इसको ओपन करें x² -b+c इंटू एक्स प्लस बी सी और a - c एफ ओ बी क्लियर। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ले रहे हैं, एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी एफ, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्सट्रीम या फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा एफ डैश एक्स इसके इक्वल हो जाएगा 0, एफ डैश एक्स 0 है इसका डिफरेंशियल करो क्या होगी 2x - b+c इसका कांस्टेंट है 0 अपॉन a - b b - a - c f(a) = 0।
इसको सॉल्व करके अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स की। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, ओपन करना चाहो तो मेट्रिक्स ओपन करो, 2x-b+3 a-b a-c, दूसरा आएगा और ये f ऑफ a, 2y, इससे a नहीं है तो इससे b नहीं आएगा, a+3, b में से क्या लेस होगा, a, b में से c, f ऑफ b प्लस अभी क्या आ जाएगी, 2j अपने समेशन बन रहा है x के कारण, जो y नहीं है वैल्यू तो एक ही ना, यह 2x की फॉर्म में a और c बदले, ये कंडीशन आ गई, और इसमें 2x-a+b c-a f=0। देखो तब मैं x का ही कॉन्सेप्ट है तो मैंने y नहीं दिया, वो गलत है, तब मैं x की कंडीशन, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालना है, डायरेक्टली लिख लो बात कर रही, और नहीं तो सॉल्व करके डायरेक्टली चल जाएगा। देखो यहाँ प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ कोई कंडीशन नहीं पता चल रही, डिजिट क्या है इसकी अनिक्वल है तो, क्लियर। और यहाँ अनइक्वालिटी दो मेथड पास, न्यूटन का और न्यूटन डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ लॉरेंट्स का, तो यहाँ अपने पास कंडीशन में फैक्टर्स करें डिवाइडेड डिफरेंस नहीं आ रहा, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, लॉरेंट्स का, ठीक है, लॉरेंट्स वाला ले लो, और समेशन नहीं लेना चाहो डायरेक्टली और मैक्सिमम मिनिमम में एडजस्ट है जीरो, उसका डिफरेंशियल इसका करो इसका करो इसका करो, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी तीन टर्म से, ये टर्म ये टर्म ये, थोड़ा सॉल्व करना लेंथी हो जाएगा, अपन 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, एफ सी अपॉन ये, एफ सी अपॉन ये, एफ सी बाकी बोल दे इसके, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये अपना हुआ डायरेक्ट बनेगा कंडीशन, एक तो ये 2x कॉमन निकाला तो एफ ए अपॉन क्या आएगा, a-b a-b अपॉन एफ बी के लिए क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, b-a b-c, एफ सी के लिए क्या कंडीशन चलेगी, तो एक्स कॉमन निकला एफ सी अपॉन c-a c-b, क्लियर। ये 2x कॉमन निकला फिर क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, बचे हुए को उधर भेज दो, b+c अपॉन ये b+c अपॉन a-b और a-f, क्लियर, ये एफ की कंडीशन, प्लस a+c और ये आ जाएगा b-a और b-c एफ बी, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, a+b अपॉन c-a c-f, क्लियर। आप इस पे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, तो अभी बी क्या है, सॉल्व करने पर ये डायरेक्ट प्रूफ की फॉर्म है, क्लियर। जब भी कोई इस तरह की कंडीशन है तो यही सॉल्व इसका फाइनल कंडीशन, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं तो ये पहले 2x फॉर्म में निकाला बाकी बोल दे वीडियो, ये प्रूफ की फॉर्म आ जाएगा, क्लियर, ये अपना प्रूफ होता है। एग्जाम्पल फोर, एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ये है अपने को ये गिवन है, एफ ओ वन कितना है 4, ठीक है, एफ ओ वन अपने पास है 4,
है 5, F7 है 5, F8 है 2। ये वैल्यू गिवन है, अपने को बोल रहा है F6 की वैल्यू फाइंड करनी और x की वह वैल्यू भी फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो सबसे पहले अपन क्या निकाले हैं, F पहले अपन पॉलिनोमियल निकालो, ध्यान से देखो पहले पॉलिनोमियल निकालो, उसमें x की जगह क्या रख दोगे, 6 F6 आ जाएगा। फिर x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करोगे f की, तो x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पहले पॉलिनोमियल निकालना, सबसे पहले चेक करें ये x के अंदर वाली वैल्यू क्या है, 1 2 7 3, फंक्शन कितना है 4 5 5 4। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है किसमें सॉल्व करना है, तो न्यूट्रल डिवाइडेड इस तरह से भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो और चाहे लॉगरिथम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, न्यूट्रल डिवाइडेड से निकालना चाहे आप न्यूट्रल डिवाइडेड से पॉलिनोमियल, ठीक है, और नहीं तो लॉगरिथम से निकालना चाहो तो लॉगरिथम से निकालना, बाय लॉगरिथम से निकालना, लॉगरिथम इंटरपोलेशन फॉर्मूला या कैसा है, अनइक्वल है 1 और 2 का डिफरेंस पर डिवाइडेड, लॉगरिथम इंटरपोलेशन फॉर्मूला और अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल के लिए क्या होगा, ये हो गया x0 x1 x2 x3, फॉर्मूला लिख देना मैं डायरेक्ट लिख दूँ, क्या होगा x में से क्या लेस होगा 2 7 और 8। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, फंक्शन इंटू 4 अपॉन में क्या होगा, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स नॉट यानी 1 1 माइनस 2 1 माइनस 7 1 माइनस 8। ठीक है, प्लस अब एक्स में से क्या लेस होगा, 2 नहीं होगा बाकी सब, x-1 x-7 x-8 अपॉन, और ये फंक्शन एफ ऑफ 2 कितना है 5, अब इन सब में से 2 लेस करा दो, फिर कंडीशन है 7 के लिए है x-1 x-2 7 लेस नहीं होगा, x-8 7 के फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, फिर इन सब में से 7 लेस हो जाएगा, 7-1 7-2 7-3, फिर आपका नया कंडीशन कितनी है 8 के लिए, 8-1 ये x-1 x-2 x-7, इसमें फंक्शन कितना है 4। क्लियर, फिर आपका देखिए इसमें क्या पुट कर दोगे 8 8-1 8-2 8-3, अब इसको सिंपलीफाई करने पर अपन क्या निकालने पॉलीनोमियल, सिंपल फॉर्म कर ले, डायरेक्टली सिंपल फॉर्म कर, इजी होता है लॉगरिथम से नहीं करके न्यूटन से। हाँ तीन वैल्यू दे रखी है लॉगरिथम वाला इजी होगा, ठीक है, फोर या मोर देन की कंडीशन हो अब तो ये तीन फैक्टर्स प्लस करेंगे तो अपने इनको ग्राफ के इनको कैसे अपन न्यूटन डिवाइडेड डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पॉलीनोमियल सॉल्व कर लेना, एफ ऑफ एक्स ये आएगी कंडीशन 1/6 -x²-16। क्लियर, अब एक तो पॉलीनोमियल निकल गया, अब अपने को f(x) चाहिए, पुटिंग x=6 तो क्या आ जाएगा 1/6 -x²-9×6+16, मैंने यहाँ पहले 6 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि x की वो भी वैल्यू फाइंड की थी, फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, क्लियर, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 17/9।
यानी एफ ऑफ सिक्स की वैल्यू क्या हो गई 17/3। अब अपन कंडीशन है एक्स की वो वैल्यू भी फाइंड करनी है, फंक्शन वैल्यू का मिनिमम तो क्या है, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। मैक्सिमम मिनिमम को बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू है। चलो मान क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स यानी इसका डिफरेंशियल करो 1/6 -2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें, 6 को उधर भेज दो -2x इक्वल्स टू -9, एक्स कितना आ जाएगा अपने पास 4.5। यानी इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम या मिनिमम चेक कर, मैक्सिमम कैसे चेक करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को तो जीरो रखा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा एफ डबल एक्स, ये यानी -1/3। ध्यान से देखना 8x=4.5, यानी इस x की वैल्यू पे एफ डबल एक्स कितना है, x यानी कितना रखे हैं 4.5, ये वैल्यू रहेगी यानी लेस देन 0। क्लियर, तो x की इस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में रखा है, सो fx क्या होगा, मैक्सिमम होगा 8x=4.5, लेस देन 0 पे मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम,